कोरोना से भारी तबाही के बीच चीन ने कोरोना के आंकड़े जारी करने से इनकार कर दिया है। वहां के स्वास्थ्य आयोग ने ऐलान किया कि कोरोना के आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच मौजूदा हफ्ता चीन के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन में एक दिन में 3,70,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच चीन के अस्पतालों से सामने आ रहे वीडियो काफी डराने वाले हैं। सामने आए वीडियो में अस्पताल में चारों तरफ शव ही शव दिखाई पड़े। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि वहां के अस्पतालों और कब्रिस्तानों में शवों का ढेर लगा हुआ है। हालत ये है कि बीजिंग में अब शवों को ले जाने के लिए कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि वहां के मस्जिदों में भी शवों को रखा जा रहा है। ऐसे ही एक तस्वीर बीजिंग से सामने आई है। वहां पर एक मस्जिद में चारों तरफ कोरोना से मरने वालों के शव रखे हुए थे। चीन में कोरोना से हो रही मौतों से हालात इतने भयावह हो गए हैं कि सुअरों के लिए बने कोल्ड स्टोरेज में भी कोरोना मरीजों के शव रखे जा रहे हैं। चीन के जियांगसू से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां चारों तरफ शवों के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शवों को रखने के लिए अस्थायी तौर पर मुर्दा घर बनाए गए। वहीं भारत में भी कोरोना पर सख्ती बढ़ा दी गई है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए उनका टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में कोरोना के खतरे के बीच टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। वहीं कई शहरों में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। झारखंड सरकार ने भी कई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स पर यात्रियों की जांच के आदेश दिए गए हैं।